अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सेवन क्लास में यूनिट नंबर 3 है डेसिमल। डेसिमल को डिस्कस करते हैं। डेसिमल के हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है होल नंबर पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमारे पास इस डॉट से पहले वैल्यू है और इस डॉट के बाद है। जो पहले वैल्यू से होल नंबर पार्ट कहते हैं और जो बाद वाली उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं। और इन पार्ट्स को हम एक डॉट से सेपरेट करते हैं जिसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 की तरफ आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इन टू रैशनल नंबर। ये आपको डेसिमल दिए हैं, आपने इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 1 है 0.36। फर्स्ट स्टेप एज इट इज। सेकेंड स्टेप में हमने पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट जब खत्म करेंगे 1 आएगा और उसके बाद जितनी वैल्यूज होती हैं उसके उतने क्या आ जाते हैं, 0 है। 2 वैल्यूज है, 2 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 0। अब ये बन जाएगा 36/100। अब ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 1 यहाँ पे कैरी 16 बन गया, 2 8 16, 2 5 10, 0 एज इट इज़। अब 18/15 ये भी 50 ये भी हमारे पास 2 पे जा रहा है, 2 9 18, 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 9/25। पार्ट नंबर 3 है -0.125। फर्स्ट पार्ट हमारे पास एज इट इज़ आएगा, सेकंड में हमने पॉइंट खत्म किया 1 आ गया, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उतने क्या आ जाएंगे, 0। 125 ओवर क्या बन जाएगा हमारे पास, 1000। अभी 2 पे कटिंग, सॉरी 5 पे कटिंग हो रही है, 5 2 10, यहाँ पे 2 बच गया, 25 बन गया, 5 5 25, 5 2 10 और 0 0, 25/200, 5 5 25, 5 4 20 और 0 एज इट इज़, 5/40, 5 1 5 और 5 8 40। तो -1/8 हमारे पास क्या आ गया, आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 5 है 6.46। इसमें हमें क्या करना है, पॉइंट खत्म किया 1, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 जीरोज आ जाएंगे। अब हम इसको कटिंग करते हैं 2 पे, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10 और 0 एज इट इज़। अभी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा इसलिए इसका आंसर यहाँ तक होगा। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8 0.0625। इसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एज इट इज़, सेकेंड स्टेप में पॉइंट ख़त्म किया हमने, पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज है तो 5 हमने यहाँ पे क्या लगा दी है, 0 लगा दी है। 625 ओवर हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको 5 पे कटिंग करेंगे, 5 1 5, 1 कैरी, 12 बन गया, 5 2 10, फिर 2 बच गया, 5 5 25, 5 2 10 और ये 40 एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर ये 5 पे कटिंग हो रहा है, 5 2 10, 5 5 25 और 5 4 20 और 30 एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर 5 5 25, 5 8 40, 20 एज इट इज़। अब ये मज़ीद फिर 5 पे जा रहा है, 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पे हमारे पास 3 बच गया, 5 6 30 और 0 एज इट इज़। तो -1/160 आंसर है। तो जी बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि मुझे आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।